Hi, मैं हूं देव एंड यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्लोज अप. द मंथ ऑफ जून मार्क्स द रिलीज एनिवर्सरी ऑफ अ फिल्म दैट वॉज अमंग द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 1983. इस फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार. 1969 से लेके 1973 तक ही डिलीवर्ड अ लॉट ऑफ हिट्स, बट उसके बाद उनका सक्सेस रेट थोड़ा कम हो गया. बट एज वी ऑल नो, आफ्टर द फॉल comes the rise. 1983 was the year that marked the comeback of Rajesh Khanna, the superstar. Aaj hum baat karenge 1983 ki unki teen super hit filmon ke bare mein, jinme se ek June ke mahine mein release hui thi. Sautan, Sawan Kumar Tak, jo 1970s mein Havas, Sajan Bina Suhagan aur Sajan Ki Saheli jaisi filmein bana chuke the, he wanted to make a film with Rajesh Khanna. Unke paas ek kahani thi and he was chasing Rajesh Khanna for 8 years. Finally, Rajesh Khanna sahab maan gaye. Rajesh Khanna sahab ne Sawan Kumar ji se kaha ki meri diary khali hai, jo date chahiye wo le lo. Film ka naam tha Sautan aur iske main actors the Rajesh Khanna, Parveen Babi, Padmini Kolhapure, Pran, Shashi Kala, प्रेम चोपड़ा और डॉक्टर श्रीराम लागू. तय यह हुआ कि फिल्म की शूटिंग मॉरिशस में की जाएगी, लेकिन शूटिंग शुरू होने के 15 दिन पहले परवीन बाबी ने यह फिल्म छोड़ दी. टीना मुनिम स्टेप्ड इन एज हर रिप्लेसमेंट. सौतन कहानी थी श्याम की, हु फॉल्स इन लव विथ एंड देन मैरीज रुक्मिणी. रुक्मिणी स्टेप मदर एंड अंकल आर अनेबल टू कम टू टर्म्स विद श्याम सक्सेस एंड दे सेट आउट टू डिस्ट्रॉय हिज रिलेशनशिप विद रुक्मिणी. वो रुक्मिणी से कहते हैं कि श्याम और राधा एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और रुक्मिणी उनकी बात का यकीन करती है. इवेंचुअली ऑफकोर्स ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड, बट एट अ वेरी हैवी प्राइस. शूटिंग कंप्लीट होने तक हीरो और डायरेक्टर में कुछ अनबन हो गई थी. राजेश खन्ना साहब को यह लग रहा था कि फिल्म के क्लाइमैक्स में ही वॉज बींग ओवर शेडोड बाय द टू हीरोइंस, लेकिन डायरेक्टर साहब सावन कुमार जी अड़ गए. उन्होंने कहा कि मैं फिल्म में या स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं करूंगा. राजेश खन्ना साहब ने उनको यह भी कह दिया कि मैं तो फिल्म के प्रीमियर पे आऊंगा ही नहीं. बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, राजेश खन्ना साहब फिल्म के प्रीमियर पे आए. ये फिल्म रिलीज हुई थी जून 1983 में और ये बहुत बड़ी हिट हुई. अवतार, मोहन कुमार साहब ने 1960s के दशक में अनपढ़ और आई मिलन की बेला जैसी फिल्में बनाई थी. 1980s के दशक में उनके पास एक सब्जेक्ट था जिसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को साइन किया था और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी खुश थे बिकॉज आफ्टर ऑल बच्चन साहब वॉज द बिगेस्ट स्टार ऑफ द टाइम. लेकिन फिर मोहन कुमार साहब ने इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब को ले लिया. अवतार ये सचमुच एक हटके फिल्म थी क्योंकि उसके पहले ऐसी बहुत कम फिल्में आई थी जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों सीनियर सिटीजन्स थे. राजेश खन्ना साहब प्लेड अवतार, हु अलॉन्ग विथ हिज वाइफ राधा प्लेड बाय शबाना आजमी मूव्स हेवन एंड अर्थ टू रेज हिज टू सन्स, लेकिन उनके दोनों बेटे उनका साथ छोड़ देते हैं. उसके बाद अवतार एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं. उनके मतलबी बेटों को अपनी गलती का एहसास होता है, बट देन इट इज टू लेट. अवतार रिलीज हुई थी मार्च 1983 में एंड इट वॉज अ बिग हिट. आफ्टर द रिलीज मोहन कुमार साहब रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लेटर्स फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स हु सेड दैट दे टू हैड बीन डिच्ड बाय देयर चिल्ड्रन. दे थैंक्ड मोहन कुमार फॉर शोइंग देम द वे अहेड एंड इंस्पायरिंग देम. अगर तुम ना होते, नवंबर 1983 में आई अगर तुम ना होते, स्टारिंग राजेश खन्ना, रेखा एंड राज बब्बर. इस फिल्म को डायरेक्ट किया था लेख टंडन साहब ने, जिन्होंने इससे पहले प्रोफेसर, प्रिंस और आम्रपाली जैसी फिल्में बनाई थी. इन अगर तुम ना होते राजेश खन्ना साहब प्लेड अशोक मेहरा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी पत्नी की डेथ हो चुकी है. ही वॉन्ट्स टू हायर अ गवर्नेस फॉर हिज डॉटर मिनी. उनकी मुलाकात होती है राधा से, जिनकी शक्ल उनकी पत्नी पूर्णिमा से मिलती है. ये डबल रोल रेखा जी ने किया था. मिनी को लगता है कि उसकी माँ वापस आ चुकी है और अशोक मेहरा को राधा से प्यार हो जाता है. बट राधा लव्स राज, हर हस्बैंड, हु इज पैरालाइज्ड आफ्टर एन एक्सीडेंट. शी टेक्स अप द गवर्नेस जॉब बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फंड हर हस्बैंड्स ट्रीटमेंट. इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग के लिए
किशोर कुमार को उस साल का फिल्मफेयर बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड मिला था। और अगर तुम ना होते की वजह से राजेश खन्ना साहब ने 1983 में हिट्स की हैट्रिक कंप्लीट की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। टिल वी मीट अगेन, दिस इज देव साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड क्लोज अप। गुड बाय। रेडियो नशा।